अपना एक टायर अलॉय ये यूं लगा लो, एक नैनो लटका रखेगी पीछे 50-60 हजार। ये तेल कम पीती है शिफ्ट से, ये शिफ्ट से कम तेल पीती है भाई। काली गाड़ी और काली शीशे है ना, काले काम काले धंधे में लग गई थी। अच्छा, तो इसके आगे से बंपर वगैरह रेडिएटर वगैरह सब लीक हो गए थे। तक तो सोची नहीं थी कि अलॉय लगवाएंगे, आते वक्त लुधियाना से लगवाए। बहुत टाइट है। ओ अच्छा, ये अच्छा। फिट हो जाता है ये तो भाई। अच्छा ना, वो यहाँ से फिट होता है। हाँ, वो पेच मारने पड़ते हैं। वो तो भाई मारने पड़ते हैं, पेच नहीं मारते ना, वो आगे गिर जाता है। वो तो देखने में भी भाई जुगाड़ सा लगता है वैसे, वो ना देखने। कहाँ से लगवाए, कितनी दूर से लगवाए भाई ने जाके, सारी चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा आपको। भाई उससे पहले इसके सिनेमेटिक शॉट देखो। आओ कच्चा मांस पाड़ के जवान हुंदा जो बिहड़ा दी नहीं हरे आई जट दा लौंडे जे बनाई कई टीमा फिरदे आओ कला कैड़ा चुप देखो पोती अकदा सब कुछ मस्त सब कुछ दस पे दस ये मांगे स्मोक ले कश पे कश ये बंदे जो कम हंसते बस है सब कुछ मस्त सब कुछ मस्त सब कुछ दस पे दस ये बंदे सब पर बन के सकते लगते अब सम करते शक है सब कुछ तू है जो नाम लेके बोले पक्की सारे नाव सब कमे देख यार ने पित्तड़ की जावे जी की छाती के पार ना मरे जाओ तेरे इन्हीं अच्छा यारे काले कपड़े ये चले रोज नो फैंटम तो आ चुके हैं हमारे सागर भाई, इस गाड़ी के ओनर। रील वील में आपने देखी है भाई, अलॉय देख के आप पहचान ही गएंगे कि भाई की गाड़ी। कैसे हो भाई, फिर से अभी एक वीडियो खत्म करी थी, पर इसके लिए भाई लोकेशन देख लो, ऐसी लोकेशन पे लेके आए हैं भाई कि भाई मैंने तो थाल ले रखी है तो यहीं लाऊंगा है भाई, क्योंकि ये रुकती तो है ना कहीं पर। चलो तो भाई सबसे पहले तो सागर भाई, थार कहाँ से आई दिमाग में कि थार लेनी है? थार तो भाई पहले से स्टार्टिंग से थार सोच रखी थी। अच्छा, स्टार्टिंग से ही थार सोच रखी थी। फिर मैं स्कॉर्पियो लेने स्कॉर्पियो गया था। अच्छा, पर स्कॉर्पियो दिन के दिन मिल नहीं रही थी। अच्छा अच्छा, इस वजह से ये ले ली। थार टॉप मॉडल दे रहे थे ये, अपनी पूरी टॉप मॉडल है ना भाई। हाँ जी भाई, टॉप मॉडल है, 4x4 सब कुछ मैनुअल है ना। इससे ऊपर मतलब ऑटोमेटिक आता होगा इसमें? अच्छा अच्छा। और भाई भाई ने मतलब आते ही जो जो काम कराया वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रंट से अगर बात करूँ ना, तो ये देख लो कि भाई वैसे ना हमेशा प्लेट हमारी कैसी रहती है, सफ़ेद पे काली, और यहाँ पे भाई उल्टा ही है, यहाँ पे काली पे सफ़ेद है। वो भी भाई फैंसी नंबर प्लेट लगा रखी है भाई ने। भाई INDI वाली लगानी छोड़ दी क्या? INDI वाली भाई रखी है, स्टार्टिंग में जब इसके नंबर आए थे ना। अच्छा, तो यही लगवा ली थी, फिर INDI वाली रखी थी, फिर INDI वाली रखी रही थी। चलो लगा लेंगे भाई, वैसे कम ही लगाते हैं, इतना तो हमें पता ही है, सबको ही पता है। और बाकी भाई ने ग्रिल चेंज करा लिया थी, मतलब भाई थार में ना कुछ ऐसे चुरिंदा काम है जो आते ही बस वो करा दो, वो बहुत जरूरी है। ये तो जरूरी है भाई। तो भाई फ्रंट से अपने क्या क्या चेंज है बता दो। सारी चेंज है, लाइट चेंज है अपने, ये वाले इंडिकेटर, क्योंकि ना जो नॉर्मल आते हैं उसमें सिर्फ ये DRL सी होती हैं, और ये अपने इंडिकेटर आ गए, मतलब ये बढ़िया है। हाँ, मैट्रिक्स में, और अपने LED भी, और फोग लैंप भी चेंज कराए थे, पर टायर चेंज हुए ना। अच्छा, उसकी वजह से। हाँ, क्योंकि भाई पता है इसमें भाई ने IPS लगवाए थे, पर वो इतने ज्यादा बाहर आते हैं क्योंकि उनमें LED भी लगती है, तो भाई जब ये मुड़ते हैं वो सब टूट गए, इसलिए भाई ने हटाई दिया। बंपर मैंने इसलिए चेंज नहीं कराया, बंपर मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, बंपर पसंद नहीं है, वो वाला थोड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, तो मतलब ये चेंज नहीं होगा? ये चेंज नहीं करवाऊंगा भाई, बम्पर में चेंज नहीं करवाऊंगा। यही ठीक है ना, अपना यही बढ़िया। पुराने वाले जो फोग लैंप आते हैं ना, वही लगवाने पड़ेंगे। कंपनी वाले जो अपने आते हैं ना, उसमें अपने कोई छोटी मोटी LED देख लेना, और बाकी तो भाई कुछ ऐसी लगती है, मतलब बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा है। अपने सिनेमेटिक एंजॉय करेंगे फुल, नहीं करे तो भाई पहले वापसी जाओ और देखो। और यहाँ पे भाई ने लिखा रखा है जय श्री राम। भाई काली गाड़ी और काली शीशे है ना, काले काम काले धंधे, वो अलग आना हो गए। काले धंधे तो नहीं है, काले धंधे तो नहीं है वैसे। भाई सबको ही पता है कि भाई की HR26 कार कस्टम के नाम से भाई की शॉप है, बाकी तो भाई कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी दोनों गाड़ियों में, इसमें भी और स्विफ्ट में भी। तो भाई
और बताओ कि जैसे आपने गाड़ी लिया आगे से आपने ये सब बता दिया, इनकी प्राइसिंग बताओ भाई सब के करके। भाई ये अपने 3500 के हैं, ये अपने 18000 रुपए के। अच्छा, और ग्रिल अपनी 6000 रुपए। ग्रिल अपनी 6000 रुपए की। चलो भाई बहुत बढ़िया, मतलब ये कराती देखो आगे से पूरा लुक बदल गया है। और बाकी हम आते हैं साइड में। भाई आजकल ये बहुत लगवाते हैं लोग, इसे क्या बोलते हैं सबसे पहले तो ये बताओ। अरे मतलब ये तो मेरे को भी नहीं पता है, साफ करने के लिए रूफ वगैरह काम आ जाता है। ये देख लो भाई ऐसे लगती है एकदम मस्त। अलॉय व्हील पाएंगे तो आ ही जाते हैं, मतलब अलॉय व्हील पाएंगे क्या। आ जाओ सागर भाई। तो भाई सबसे पहले तो कंपनी कितने इंच के देती है इसमें अलॉय? कंपनी 17 देती है शायद, 17 दी है कंपनी ने। अच्छा 17 या 18। बाकी भाई ने इसमें देखो 33.5 × 12.5 और ये देखो R22, मतलब 22 इंच के भाई ने इसमें ये अलॉय व्हील लगवाए हैं। तो सागर भाई कहाँ से लगवाए हैं और पहले ही सोच रखी थी कि 22 लगवाने हैं? नहीं नहीं भाई सोची नहीं थी। सोची नहीं थी नहीं। तो सबसे पहले तो अलॉय लगवाने गए कहाँ थे भाई? हम घूमने गए थे मनाली। अच्छा हाँ। तो जब तक तो सोची नहीं थी कि अलॉय लगवाएंगे, आते वक्त लुधियाना से लगवाए। अच्छा आते वक्त लुधियाना से आई थी, यहाँ चल लगवा लेते हैं, आए हैं तो इतनी दूर वापिस। सही बात है, जब लगवाए थे तो फिर लगवा लिया ना आते वक्त ये भाई ने। टायर से लगवाए थे भाई। अच्छा अच्छा, तो भाई बहुत अच्छी बात है। ये चीज चेक करो भाई एक बार, पैटर्न कितना मस्त है और कितना, मतलब ये देख लो भाई चौड़ा कितना, कौन के कितना, 12.5 G है भाई, बहुत ज्यादा बाहर आता है। पहले इसमें आते भी नहीं होंगे डायमंड, अभी वो कह रहा था नया लेटेस्ट ही आया। अच्छा अच्छा, बोला था पहले पता भी नहीं, मैंने देखे भी नहीं थे, पर इसमें पहले ब्लैक आते थे। अच्छा ये ब्लैक आते थे डायमंड कट है ना जो, इसमें पूरा ब्लैक आता था जो ये अपने क्रोम में, ये ब्लैक आता था, लाइन होती थी, अब ये पूरे ना वैसे क्रोम में दे रहा। अच्छा अच्छा, क्योंकि भाई ये चौड़ा इतना है, आधा ही अंदर रहता है गाड़ी का और आधा ही बाहर आता है, इतना ज्यादा चौड़ा है टायर। पीछे से दिखा देता हूँ, ये देखो मतलब भाई बहुत ज्यादा चौड़ा लगवा रखा भाई ने टायर इसमें और अलॉय, ये 12.5 G, ये चीज चेक करो। और पर मस्त लगती भाई इसी से गाड़ी है ना। हाँ, मजा तो इसी का है, जब तक अलॉय ना लगे तो जब तक क्या ही है गाड़ी में। तो कितने के पड़े क्या है भाई, भाई बताओ? मेरे को पड़े थे 251 के। 251 के अलॉय टायर अपने है ना, बाकी जो थोड़े बहुत थे कार्ड से पेमेंट की थी 2% वही। अच्छा अच्छा, 260-270 तक पहुंच गई थी, 260-270 तक इनकी बात पहुंच गई थी, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा खर्चा ना थार में अलॉय टायर का होता है, क्योंकि भाई इसका टायर बहुत महंगा आता है। भाई अगर मैं पूछूं एक टायर की प्राइसिंग क्या पड़ती है? भाई अपना एक टायर अलॉय ये यूं लगा लो एक नैनो लटका रखेगी पीछे 50-60 हजार। अच्छा चलो भाई अच्छी बात है, पर भाई इसका ना वैसे यूज नहीं आता कभी, ये यूज नहीं होता भाई, क्योंकि भाई देखो एक तो टायर अकेला बंदा इसको उतार ही नहीं सकता भाई। अच्छा जी, बहुत भारी है, बहुत भारी है, क्योंकि भाई देखो इतनी मोटी ग्रिप है, आवाज करती है इसकी। अच्छा डिग्गी भी आवाज करती है इसकी वजह से। चलो भाई मैं कह रहा हूँ मतलब इतनी मोटी ग्रिप है भाई, पंचर तो क्या ही होते होंगे ये टायर, इस वजह से ये कभी काम ही नहीं आएगा। पर ये भाई इसके बिना नहीं, अधूरी भी रहती है। हाँ। ये लगवाना भी बहुत जरूरी है। मैं तो कई बार सोच रहा हूँ, अभी इसका स्टैंड बनवाने गए थे हाँ हाँ बिमरा में, हाँ हाँ तो उसका स्टैंड 15000 कह रहे थे, फिर वो यहाँ से एंगल बहुत बेकार लग रही थी। कहाँ से? यहाँ से देखिए एंगल एक। अच्छा अच्छा, उसमें मजे नहीं आएंगे, तो अब सोच रहा हूँ टायर हटाने की सोच रहा हूँ। अच्छा टायर हटाने की सोच रहे हो पूरा? अलॉय अलॉय रख लेंगे। हाँ ये भी अच्छा लगता है भाई, अलॉय अलॉय भी खाली बढ़िया लगता है अपना, तो फिर स्टैंड बनवाने। सही बात है भाई, सही बात है। और बाकी भाई ने देखो वाली थार का था, वो हमारा टायर ही गिर गया था। अच्छा टायर ही गिर गया, ब्रेकर से गुदी ये नीचे टूट के गिर गया। अच्छा जी, यहाँ से टूट भी गया भाई। अब जब इतना हैवी सामान रखोगे इस पे तो कहाँ तक लोड लेगी वो भी, है ना, क्योंकि बहुत भारी हो गया वैसे भी। और बाकी भाई ने पीछे का भी भाई फुल जेड, मतलब गाड़ी तो भाई की देखो जेड ही रहती है, ब्लैक कलर। वैसे फिर से वही बात बोलूंगा, मतलब काली गाड़ी काले शीशे है ना भाई। और बाकी ये देख लो भाई वही फैंसी नंबर प्लेट। और भाई ने मतलब भाई देखो थार में ना आजकल मैं देख रहा हूँ, वैसे तो अपने जो ये कस्टमाइज टेल लाइट है ये आती हैं बहुत डिजाइन में, पर ये वाली का ट्रेंड अच्छा चला अच्छा है। हाँ ये सब यही लगवाते हैं सारे भाई जितने भी हैं। तो भाई इनकी क्या प्राइसिंग पड़ती है? भाई ये अपनी 6000 रुपये, 6000 रुपये की भाई अपनी ये टेल लाइट पड़ती है। और भाई जो अपने रिफ्लेक्टर है ये 1500 रुपये, 1500 रुपये का अपने रिफ्लेक्टर हो गए, बहुत बढ़िया। बाकी तो भाई अच्छा ये यहाँ से हो जाएंगे भाई, जैसे कि आप देख रहे हो भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, सब कुछ हो जाएगा भाई। इसमें कुछ लगा रखा है सिस्टम विस्टम या कुछ भी? भाई नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल मतलब वो कंपनी ने दे रखा है वही है। हाँ, वही है। चलो भाई अच्छी बात है। बाकी मैं देख रहा हूँ भाई ऑफ रोडिंग बहुत करते हो, तो भाई ली ये मतलब है ही इसीलिए भाई, तो भाई देखो जगह भी ऐसी है, भाई करते रहते इससे कुछ ना कुछ, पर अभी हम करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि भाई बिल्कुल अभी सफा करवा के लाए हैं एकदम, है ना। हाँ चलो भाई एक बार अंदर आ जाओ, एक बार दिखा देते हैं। और बाकी तो भाई यहाँ पे ये इसके एंटीना वगैरह, और बाकी ये उसी के लिए जो अपनी रूफ साफ, इसको मतलब खोल के भाई रूफ साफ कर सकते हैं, बाकी तो बहुत टाइट हो रहा है फिलहाल। और चलते हैं भाई इसके अंदर अभी।
तो भाई ये बताओ, वैसे गाड़ी पे पीपीएफ वगैरह कुछ करा ही नहीं है क्या आपने? ब्लैक पीपीएफ हो रखे भाई पूरी गाड़ी पे, ब्लैक पीपीएफ। मैं जब तो कह रहा हूँ भाई, इतनी शाइन कैसे कर रही है भाई, ब्लैक पीपीएफ करवा रखे भाई ने पूरी गाड़ी में। और ये देखो, मतलब गाड़ी इतनी काली है भाई, अंदर से देखना कैसे अंधेरा सा हो गया पूरा, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर भी काला। बंद करके दोबारा चलाऊंगा, फ्लैश जलानी पड़ेगी। तो ये देखो भाई, मतलब इतना ब्लैक इंटीरियर है इसका, अंदर से कुछ दिख नहीं रहा, ऊपर से भाई ने पूरी जेड कर रखी है गाड़ी, बहुत बढ़िया। वैसे सागर भाई एक बात बताओ, आजकल ना जैसे बहुत चल रहा है कि लोग पूरा इंटीरियर पेंट करा लेते हैं, एक एक ये गत्ता हुआ, ये डैशबोर्ड हुआ, सब कुछ निकलवा के पेंट करा लेते हैं। ये शीशे के मैचिंग के रख रखे है ना। अच्छा हाँ। तो मतलब आगे आगे का कुछ पता भी नहीं। देखो भाई कब दिमाग में क्या आ जाए, क्या करवा ले कुछ पता नहीं होता है ना। बाकी मैं एक बार थोड़े आपको भाई बता देता हूँ, सबको वैसे पता होगा। यहाँ पे भाई देखो ऐसे थार लिखा आता है अपने डोर पे, ये एक बोतल होल्डर मिल जाता है यहाँ पे, और बाकी कुछ ऐसा भाई इसका पूरा ये फ्रंट कंसोल होता है, ये अपने एसी के कंट्रोल हो गए। और भाई यहाँ से ये किस किस के मेरे को तो देखो समझ जाते, सीट बेल्ट का अपना ये हो गया भाई, अपने हजार्ड लाइट का, और ये अपने ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, और ये हिल असिस्ट हो गया, और ये अपने डोर लॉक अनलॉक का। बाकी ये है भाई इसमें मेन, इस ये खरीदी भाई इसके लिए जाती है बिल्कुल। ये तो भाई बनी मतलब ऐसे है कि भाई 4x4 लगा और कहीं पे भी बता दो, पावर विंडो के यहाँ मिलते हैं। भाई ये बताओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने, देखो गाड़ी तो भाई सबने ही चलाई है, ज्यादातर गाड़ी सब चलाते ही रहते हैं, और मतलब सब ब्रांड की चलाई होंगी। आप जैसे स्विफ्ट चलाते हो रेगुलर, उसके बाद आपने भाई ये ले ली, तो स्विफ्ट से जैसे इसमें आए हो तो क्या मजा आया परफॉर्मेंस में, या कैसा फील हुआ वो सब बताओ। ये तेल कम पीती है स्विफ्ट से, ये सिर्फ से कम तेल पीती है, बिल्कुल जायज बात है। कोई सोचता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ बात नहीं। अच्छा भाई, जी मेरी स्विफ्ट देती है 9-10। अच्छा जी, इन अलॉय में भी दे देती है 12-13, तो दे देती 12-13 इनमें भी दे देती है। और भाई देखो फिर बोलो, ऑफ रोडिंग करते तो वही मतलब कुदाते उदाते तो 9-8 वैसे हाईवे पे अपनी 12-13 देती है, हाईवे पे 12-13 दे रही है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब अच्छी भाई ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा है। और बाकी ना मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये ना लोग बहुत कम नोटिस करते हैं, अगर आपने देखा हो ना तो महिंद्रा की गाड़ियों पे ना ज्यादातर भाई देखो ऐसे कुछ ये बना आता है साइन, कि आप देख सकते हो कि डेजर्ट है और अपने ऊंट हो गया और अपनी गाड़ी हो गई, मतलब इसे कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं भाई, भाई आप ऑफ रोडिंग करते हो जैसे इससे तो मजा बांध देती है फुल भाई बिल्कुल, कहीं दम नहीं तोड़ती गाड़ी है ना, कहीं तोड़ जाती है मिट्टी में। अच्छा मिट्टी में भाई, वो क्या है ना कि जैसे अगर अलॉय का भी कुछ डिपेंड होता है, अगर आप ऑफ रोडिंग वाले अलॉय टायर लगवाओ तो फिर कहीं फंसी नहीं सकती, ये तो अपने शौक वाले दोनों काम हो जाते हैं। और बाकी तो मैं अंदर से और क्या ही दिखाऊं, ये चीज चेक कर लो भाई ने इसमें आर्मरेस्ट लगा रखा है, कंपनी फिटेड है भाई 18,000। अच्छा कंपनी फिटेड है, हां जी भाई, भाई ये तो काफी अच्छे है, वो तो देखने में भी जुगाड़ सा लगता है वैसे, वो ना देखने में अच्छा ना काम तो उसका है ही अच्छा नहीं। और बाकी तो भाई देखो इसका आउटपुट मैं आपको क्या ही सुनाऊं, सबको भाई पता होगा कि कैसा चलता है कैसा नहीं। बाकी स्टेरिंग वगैरह इस पे सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ, मतलब क्रूज कंट्रोल ये रहा अपना, बढ़िया चलती है। तो भाई एक ये बता दो गाड़ी के बारे में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थिंग कुछ तो भाई देखो हर गाड़ी में होती है। नेगेटिव तो इसका अभी फिलहाल ये है कि इसके अलॉय में की वजह से एक तो मैं फोग लैंप नहीं लगा पा रहा, ठीक है। एक नेगेटिव ये है अलॉय की वजह से इसका हैंडल कांपता है। अच्छा हैंडल कांपता है भाई, ठीक है, और थोड़ा सा टेढ़ा रहता है इसका हैंडल। ये तो भाई देखो इस वजह से हो गया क्योंकि हमने ये छेड़खानी करी है। एक इसका नेगेटिव ये ब्रेक नहीं मानती। अच्छा ब्रेकिंग कम है इसकी, ब्रेकिंग कम होती है थार की भाई। अच्छा, इस बाइक के पास हमको तो पता भी ब्रेकिंग बहुत कम लेती है, क्योंकि मैंने स्विफ्ट से जब इस पे आया था ना चलाने तो उसके 5-7 दिन बाद मैंने स्विफ्ट वाला ही आइडिया था, तो उसी की तरह ब्रेक मार ट्रैक्टर में लग गई थी। अच्छा, तो इसके आगे से बम्पर वगैरह रेडिएटर वगैरह सब लीक हो गए थे। अच्छा अच्छा ये बात है। और भाई अगर मैं पॉजिटिव पूछूं, पॉजिटिव पूछो तो भाई इसको कहीं चढ़ा दो, कहीं चढ़ा दो चढ़ती चली जाएगी है ना, चली जाएगी भाई। चलो अच्छी बात है भाई। अब वीडियो को एंड करने से पहले भाई ये बताओ कि एक चीज तो आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं सीट का भाई, दो ही जने बैठ सकते हैं, दो ही जने बैठ सकते हैं भाई। देखो हम तो अभी सही बताऊं तो हम खुद भी अभी मनाली घूम के आए हैं, तो ऐसे ही रहता पीछे वाली सीट का, पीछे वाला तो बहुत बेकार है। मैं तो यहाँ पे वो शीशे लगवाने की सोच रहा हूँ, अपने स्लाइड वाले होते हैं ना खुलते बंद होते हैं, वो लगवाने जो बस में आते थे स्कूल। अच्छा, बस में ओमनी वगैरह में आते, वो लगवाने सोच रहा हूँ, पीछे वाले की ना बहुत दिक्कत होती है, कुछ भी खाते वगैरह सब नीचे डालना पड़ता है। हाँ फिर भाई वेंटिलेशन थोड़ा चाहिए, मतलब अगर शीशा वगैरह खुले खुद खुलता ही नहीं है भाई पीछे से कोई, बिल्कुल भी वो करवाऊंगा इसमें, सोच रहा हूँ करवाऊंगा तो नहीं सोच रहा हूँ, लगेगा टाइम थोड़ा है ना, टाइम तो नहीं, अगर दिमाग में आ गई तो भाई कभी करा सकते, कभी भी करा सकते, दिमाग में चलता रहता है ये करवाऊँ वो करवाऊँ।
ऐसे तो भाई देखो बहुत चीजें हैं जो करानी है, चलती रहती है दिमाग में। बाकी सागर भाई इसकी थोड़ी ये बताओ कि कितने की पड़ी है गाड़ी, कितने प्राइस, कितना टाइम लगा? इसमें टाइम तो कुछ नहीं लगा, 2 दिन का लगा था। दो दिन पहले गए थे हम उनको, मतलब कुछ पैसे दे के आए थे, उसने बुक करा दी थी। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर 2 दिन बाद धनतेरस थी, धनतेरस पे हमको दे दी थी, ये पड़ी थी भाई मेरे को 18.5 लाख रुपए। 18.5 लाख की पड़ गई आपको ये ऑन रोड, है ना? हाँ जी। अच्छा चलो भाई बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई इस पे उस टाइम मतलब ऐसे कुछ ऑफर ऑफर चल रहा था? भाई ऑफर तो कुछ नहीं चल रहा था, हमने 36,000 रुपए ले और लिए एक्सेसरीज। उसमें क्या क्या दिया भाई कंपनी वाले ने? 4,000 रुपए का कैमरा दिया। कैमरा दिखाता हूँ, कैमरा दिखाओ भाई इस बार। चलो ये कंपनी के वो दिखाता हूँ आपको हालात। तो भाई देखो एक बार कैमरा देखते हैं, जैसे कि भाई बता रहे हैं कंपनी वाले लगा, कंपनी वाले का भाई 4,000 रुपए का कैमरा है। 4,000 रुपए का लगाओ भाई, साढ़े 4,000 का कैमरा दिया। देखो ये क्लियर नहीं दिखता इसमें बिल्कुल ही भाई। ये देखो भाई ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो में आपको अलग दिख रहा है, सामने से भी क्लियर नहीं दिख रहा, जो बात है भाई। नहीं भाई आजकल तो देखो हम तो खुद भी यही काम कर रहे, तो हमें पता है कौन सी कितने की आ जाती है और बिल्कुल, है ना भाई रात को तो बिल्कुल ये काला अच्छा। हो जाता है बिल्कुल। अभी तो चलो बाहर हमको दिख रहा है, देखो अभी तो भाई दिन है तो दिन में क्या वो करें, रात के लिए रहता ज्यादा बिल्कुल काला दिखता है। अच्छा भाई कैमरे के अलावा और क्या दिया कंपनी ने इस सीरीज में? कंपनी में भाई 18,000 के आर्मरेस्ट दिए हैं ये, मतलब तीनों आर्मरेस्ट अपने 18,000 के जी भाई। अच्छा जी ठीक है। और एक ये कैमरा लगाया था उन्होंने और एक नीचे की पूरी आगे से लेके नीचे इंजन। अच्छा इंजन जो कवर रहा है इंजन, क्योंकि आगे प्लास्टिक का होता है, मेरे में लोहे का लगा हुआ है वो। अच्छा अच्छा वो कंपनी से ही है, तीन चीज दी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा चलो भाई एक बार वो चेक कराते हैं फिर वीडियो को ना एंड करते हैं, क्योंकि अगर जब भाई बता रहे हैं तो हम आपको दिखा भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम आपको सिर्फ दिखाएंगे बताएंगे। ये दिया था भाई। अच्छा ये एक्सीडेंट हुआ था जब एक नट खुला हुआ है। अच्छा अच्छा तो भाई ये तो मतलब सही है, इंजन में अपने कभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बहुत लगता है ना, क्योंकि इसका एक ये रेडिएटर नीचे तक है। हाँ हाँ तो प्लास्टिक का लग के टूट सकता है, इसकी वजह से टूटता नहीं है वो, उदाते उदाते है ना, उसमें दिक्कत नहीं आती। बढ़िया भाई एकदम। बाकी तो देखो आपको सारी चीजें कवर कर दी है और कुछ रात नहीं भाई? नहीं भाई सब हो गया है सेट एकदम। तो चलो भाई इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ ठोक दो। क्यों सागर भाई? बिल्कुल भाई। चलो भाई मिलते हैं न्यू लोग साथ बहुत जल्द।